Hey guys, what's up and welcome back to channel. अभी फिर से हम लोग ने कार रेंट कर ली और आज कहाँ जाने का प्लान है ये आप लोगों को आगे पता चलेगा. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड. गाइज अभी हम लोग कॉस्को में आए हैं और पानी वानी और खाने की चीज़ें जो कुछ भी लगने वाली वो सब ले ली हम लोग ने. अभी यहाँ से सामान लेने के बाद हम लोग जा रहे हैं लेक जेनेवा जो कि हमारा फर्स्ट स्टॉप होने. अभी टाइम हुआ है 1:30 और फाइनली हम लोग पहुंच गए लेक जेनेवा और ये कार है जो हमने रेंट की है. दिस इज़ द माजडा. ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना कुछ है नहीं यहाँ पे. लेक है और बोटिंग है. अगर आपको बोटिंग में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं. अभी हम लोग का लंच टाइम हो गया. यहाँ से लंच करके नेक्स्ट स्टॉप जो है वो है हार्ले डेविडसन म्यूज़ियम. नेक्स्ट स्पॉट थोड़ा ज़्यादा एक्साइटिंग है तो पहले पेट पूजा फिर काम पूजा. यहाँ से हार्ले डेविडसन म्यूज़ियम 48 माइल्स है और एक घंटा लगने वाला है. तब तक अपन रेस्ट करते हैं. अभी सो गाइज अभी पहुंच गए नेक्स्ट स्टॉप विच इज़ हार्ले डेविडसन म्यूज़ियम जो कि है मिलवॉकी विस्कॉन्सिन में. तो पहले यहाँ पे टिकट निकालेंगे और फिर अंदर जाएंगे.
ऑप्शन भी तो किया ये 1914 का पहला मॉडल है जिसमें सिर्फ दो गियर थे बाइक को। कमी है तो ऐसी इंजन वॉल अब तक के सारे हार्ले डेविडसन के इंजन थे यहाँ पे। गॉड दिस इज अमेजिंग। काफ़ी अच्छी तरीके से एग्जिबिट किया है इन लोग ने, देखने में भी अच्छा लगता है। $22 टिकट है इसका। सी दिस इज हार्ले डेविडसन US आर्मी 45 World War II के टाइम पे यूज हुई थी। ये बाइक देखो राजस्थान में वो नहीं होते ट्रक्स, उसके जैसे इसको सजाए। धन्नो धन्नो वाली गाड़ी स्टोनेज के ज़माने की हार्ले डेविडसन लग रही है। मार्वल फैंस गेस दिस बाइक। हार्ले डेविडसन के म्यूजियम में आए, वी कांट मिस दिस। ये कैप्टन अमेरिका वाली हार्ले डेविडसन। लुक एट द व्हील साइज गाइस, दिस इज़ अ 1988 ड्रैगस्टर। सुपर बाइक। यहाँ पे एक से एक हटके बाइक्स है सारे, तो कोई भी बाइक देखो सारे एक से एक है, कोई कम नहीं। सो गाइज वी हैव रीच शेबोगान, और शेबोगान आज का हमारा स्टे है। तो अभी हम लोग डोमिनोज में आए पेट पूजा करने के लिए, और सुबह का जो स्टॉप होने वाला है वो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। सो गाइज एक और चीज़ है जो मैंने हार्ले डेविडसन म्यूजियम से लिया था। मुझे हमेशा से पोकर कॉइन्स रखने का बहुत मन करता था, बट कभी मिला नहीं, तो आई फाउंड दिस वन देयर। मुझे काफ़ी पसंद आया तो मैंने ही ले लिया। और अच्छा लगता है कि आप कहीं जाओ और फिर कोई चीज़ एक याद बन के आपके साथ आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।